नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में कांकरे के भानु प्रतापुर में सीएम भूपेश बघेल ने विकास कार्यों और भूमि पूजन का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि बस्तर में सबसे ज्यादा मांग बैंकों की है, क्योंकि वहां हितग्राही ज्यादा है लेकिन बैंक कम है। इसी वजह से ज्यादातर लोग बैंक की ही मांग कर रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि मैंने कलेक्टर को बोल दिया है। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर सीएम बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दिया। ये आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सीएम बघेल ने। हितग्राही है वो बहुत ज्यादा है, पैसे भी खूब मिले, चाहे वो रेट माफी के माध्यम से हो, चाहे धान के मामले में, चाहे कोदो कुटीर समर्थन में घोषित करने की बात हो, चाहे लघु उपज खरीदी और वैल्यूएशन के बारे में, तो रोजगार मूलक कार्य बहुत सारे हुए और इस कारण से हर जगह डिमांड आई। कल भी गया था दोपहर में तो सारे लोग बैंक मांगने लगे, तो मैं एक गांव का नाम लिया तो बचत तो सब चढ़ाई करके नहीं है, यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए, वो बोले वहाँ होना चाहिए। कुछ लोग विधायक भी दबाव डाल रहे थे, कुछ मेरे भी दबाव डाल रहे थे, तो आखिर में मुझे कहना पड़ा भाई ऐसा है कि उपयुक्त स्थान देख के कलेक्टर इसको तय कर लेंगे और उसको वहाँ एक ही बैंक दे पाऊंगा, हर गाँव में तो नहीं दे सकता, तो वो एक बैंक स्थापित होगी और कलेक्टर को मैंने निर्देशित कर दिया कि आप उसको देख लें, स्थल चयन कर लीजिए। तो बैंक की डिमांड आज से पहले इतना कभी नहीं हुआ था। जब मैं समझता हूँ कि 3.5 साल में जो परिवर्तन हुआ आप सबने देखा है, और वो परिवर्तन इसलिए कि जो हम लोगों ने जो नीति अपनाई, विश्वास, विकास और सुरक्षा, विश्वास जीतने का काम किया, लोहानी गोरा की जमीन वापसी लेके 4,000 प्रति मानव गोरा के दर से तेंदुपत्ता और वन अधिकार पट्टा देने से लेकर लघु उपज खरीदे और धान खरीदे, ये सारे कार्य हम जो हम लोग किए, रोजगार मूलक कार्य जो दिए, अधिकार संपन्न बनाए, जल जंगल जमीन आदिवासियों को वापस दिलाने का काम, उसको लगता है कि अब हमारी ये सरकार हमारी सरकार है और हमको जमीन भी दे रहे हैं, हमारे पानी सहेजने के काम कर रहे हैं, जंगल भी बचाने का काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से विश्वास आम जनता में बढ़ा है और विकास भी तेजी से। बहुत सारे ऐसे विधानसभा हो गए हैं जिसमें 80-90% गांव में पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, हॉस्पिटल की सेवाएं दी जा रही है, तो विकास लगातार हुआ और उसके कारण से लोग अब मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं और उस कारण से नक्सलियों में भर्ती भी कम हो रही है और नक्सली अपने आप पीछे। देखिए छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना है हमारे बुजुर्गों की रही है, बहुत सारे हमारे राजनीतिक, हमारे साहित्यकार, कलाकार, चिंतक, ये सब लोगों ने छत्तीसगढ़ कैसा हो उसकी कल्पना उन लोगों ने की थी, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, संपन्न छत्तीसगढ़, सुशिक्षित छत्तीसगढ़, और हमारे जो सांस्कृतिक जो पहचान है उसे लेके चलने की बात हुई। तो आज हम लोग देखते हैं कि एक तरफ यहाँ के लोगों को अधिकार संपन्न बनाया, अधिकार संपन्न नहीं बल्कि उसके साथ साथ उनके आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, नौजवान हो, सबके आय में वृद्धि हुई है, उसके कारण से उसके जीवन स्तर में परिवर्तन आया। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं का हमने बहुत विस्तार दिया। एक समय था बस्तर में चर्चा होती थी, हमारे पत्रकार लोग आंकड़े निकाल के छापते थे कि नक्सल की गोली से जवानों की मृत्यु कम हुई है, तो उनकी शहादत कम हुई है, मलेरिया से मच्छर के काटने से जवानों की मृत्यु ज्यादा हुई है। तो बात हम लोगों ने किया, तो शिक्षा की तरफ भी कॉलेज खोलने के बाद मैं समझता हूँ जितना कॉलेज हम लोगों ने खोला इन 3 सालों में उतना पहले कभी नहीं हुआ था। मेडिकल कॉलेज जो 3.5 साल में किया, पूरे रमन सिंह के कार्यकाल में 4 या 5 थे, हम तो 3 साल में 4 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने खोल दिया। तो मेडिकल एजुकेशन की तरफ देखिए, चाहे एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, इसके कॉलेज की बात करिए, चाहे स्कूल एजुकेशन में आप देखेंगे तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो है वो मील का पत्थर साबित हो रहा कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का कितना महत्व है। और इस साल आप देखेंगे 12 बच्चे हमारे IAS में सिलेक्शन हुए हैं, ये हमारे लिए गौरव बात है, उन्होंने मेहनत की है, उनको मैं बधाई शुभकामना देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में भी इस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो, ताकि हमारे दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोग भी
कठिन से कठिन प्रतिस्पर्धा में वो भागीदार बने और अपने। देखिए कुछ लोग तो राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, क्या है कि यदि नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि आप देखेंगे लेबरू एलिफेंट कॉरिडोर हम लोगों ने बनाया, पहले 450 वर्ग किलोमीटर का था, आज वो 1950 वर्ग किलोमीटर का है। पहले सारे खदान को बाहर कर दिया गया था लेबरू एलिफेंट, अभी 39 खदान उस लेबरू एलिफेंट पे आज 39, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार को भी लाट था उसको उसमें भी शामिल है, तो 39 खदान को कभी खुल नहीं पाएगा। अब रही बात जो राजस्थान गवर्नमेंट को मिला हो, जो खदान चल रहा है, तो चल रहा है खदान कैसे बंद करोगे? आज कोयले की जरूरत ही नहीं, तो जो लोग विरोध करते हैं सबसे पहले अपने घर की बिजली बंद कर दे, उनको बिजली नहीं चाहिए, क्योंकि बिजली तो कोयला से बनेगी। देश में हाइड्रो प्रोजेक्ट कितने हैं या पवन चक्की से कितना बिजली उत्पादन होता है? लिमिटेड है। आज सब्सिट्यूट के रूप में सोलर आया, लेकिन वो उसकी भी सीमाएं हैं। जिस दिन और कोई भी व्यवस्था हो जाएगी तो फिर कोयला आधारित जो ताप विद्युत गृह है उस पर निर्भरता हमारी कम होगी, लेकिन आज के तारीख में ताप विद्युत गृह के ही पर निर्भरता है। तो कोयला चाहिए तो भाई खदान तो चलाना पड़ेगा। लेकिन हम इसमें फिर मैं कहता हूँ कि केवल उतने ही हमको कोयला देना है जितना हमको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह ने कहा कि एनएएस में अचानक से 17वें क्रमांक पे 5वें क्रमांक पर आ जाना साधारण काम नहीं है। आपने करके दिखाया कि असंभव कुछ भी नहीं है, अब तो नंबर वन का संकल्प लीजिए। आज का दिन मेरे लिए गर्व और गौरव का दिन है। नई शिक्षा संस्कृति का जो विकास हुआ है उसके लिए मंत्री जी को और इस पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पढ़ाने के लिए एक सोच चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए। आप ये जरूर करें कि पहले दिन स्कूल में बच्चों को पहुंचने के बाद पालक और शिक्षक बैठक होनी ही चाहिए। बेहतर प्रैक्टिस दूसरे राज्यों की है, एक उसका भी अध्ययन कीजिए। देखिए जहां से कुछ बेहतर मिले वहां से हमको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। स्कूल की रैंकिंग मस्ट है, होनी ही चाहिए, किस स्कूल का क्या स्थान है ताकि हम स्कूल को बता सकें। देखिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर होती है तो हर एक के मन में भाव आता है कि मैं मेरे स्कूल को पहले नंबर पे लेके आऊं। हमने समाज को आह्वान किया कि अगर आप सक्षम हैं तो अपने विद्यालय को कुछ न कुछ खुद भी योगदान दीजिए ना। कई लोगों ने वो योगदान बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने का दिया, महत्वपूर्ण ये है कि वो स्कूल से आकर जुड़े, जिसके कारण स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने में वो। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुसूचित जाति बस्ती में चौपाल लगाई। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम शिवराज के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और लोकसभा सांसद राकेश सिंह भी मौजूद रहे। इस सभा का आयोजन पूर्व विधानसभा के घमापुर में किया गया। इस दौरान सीएम ने प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को जानकारी दी। सीएम ने जनता से कहा कि गरीब बच्चियों की कॉलेज की फीस जमा शिवराज सिंह करवाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही कन्या विवाह का जिम्मा भी शिवराज मामा ने लिया। वहीं कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि गरीब जनता की संभल योजना कमलनाथ ने बंद की थी, गरीब जनता को लाभ मिले इसलिए सरकार ने फिर से शुरू की संबल योजना। इनका एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज में, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, लॉ कॉलेज में हो, IIT IIM कहीं भी हो, तो फीस चाहे 8 लाख रुपया साल की हो तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अभियान है गरीब की जिंदगी बदलना और आपकी जिंदगी में बेहतरी लाना। आज मुझे लगा के 10 मिनट आपसे चल के बात करूं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां है, उनको विदा भी करने मुझे जाना है, इसलिए मैंने राकेश जी से और अंचल जी से कल शाम को कहा तो सर्किट हाउस में क्या करूंगा, मुझे मेरी जनता के बीच ले चलो, उनसे जाके मिलूंगा। तो इस समय का
अजाबिया में मुझे पता चला है आज श्री शक्ति चौधरी जी का स्वर्गवास हुआ है, अंगम यात्रा भी प्रारंभ हुई है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के समय अर्पित करता हूँ, भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। और कल भूतध्यक्ष मनोज वंशकार जी की माता जी का निधन हुआ था, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। योजना जो उन्होंने बंद करी थी फिर चालू कर दी। और तीसरी चीज, कोई भी बेटा बेटी हो जो संबंधित माताओं में, राकेश जी अंकल जी संबल योजना में हमने कागज में कई नाम काट दिए संबंध, 1 करोड़ नाम से काट के उन्हें 50 लाख के नीचे ले आए। हम तय किया कि जिनके नाम कटे हैं वो जुड़वाने के लिए फिर से नाम दे सकते हैं, हम फिर से नाम संबल योजना में जोड़ देंगे गरीबों का। और उसमें बच्चों की जो पढ़ाई है वो मेडिकल कॉलेज की हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, IIT IIM की हो, देखो गरीबों के बेटा बेटी को भी पढ़ने का हक है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल है। लेकिन कई बार फीस नहीं होती, डॉक्टर कैसे बने, मेडिकल कॉलेज में कैसे जा, फीस ही नहीं है। तो दो बातें मैं बता दूंगा, एक ये अंग्रेजी बड़े बड़े लोग उनको पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं तो अंग्रेजी की गिटर पिटर में हमारे गरीबों के बच्चे पीछे रह जाते हैं। सही बात कहते हैं कि नहीं बताओ? और सही है कि नहीं? तो अब एक चीज है, मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, अपनी भाषा में की जाएगी, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ सके। शिवराज मामा जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये कह दिया है, मैं ये कहने आया कि अपने बच्चों को आप मेहनत से पढ़ाना, भांजे भांजे है मेरे, पर आज आपके बीच में कह के जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के करीगुंडम गांव के बच्चों का वीडियो ट्वीट किया। सीएम बघेल ने लिखा, इनके गांव में नई सड़क बनने की शुरुआत हुई तो बच्चों के सपने सैर करने लगे। 1.5 दशकों के बाद कच्चे रास्तों के पीछे छोड़ा, अब नया छत्तीसगढ़ तरक्की का रास्ता पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हर पीढ़ी को यह फिल्म देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे योद्धाओं में इतना बल था कि विदेशी आंकड़ा छल से भल जीत गए, लेकिन उन्हें झुका नहीं पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वाभिमान और हमारे माटी के लिए भारत माँ के वीर सपूत का बलिदान देखना हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। और मैं कहता हूं कि हर आने वाली पीढ़ी को इस फिल्म को देखना चाहिए, किस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमारे पास किस तरह से आक्रांताओं को महान बनाया गया, जो छल से हमेशा जीते, बल से कभी नहीं जीत पाए हमारे योद्धाओं से, और हमारे योद्धाओं में कितना बल था, करीब विदेशी आक्रांता मुगलों में कितना छल था, छल से ही बंदी बनाया हो और छल से ही उसके बाद कभी ना चुका और स्वाभिमान के लिए, भारत माँ के लिए, अपनी माटी के लिए। प्रदेश भर में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 दिन उम्मीदवारों के नामांकन के लिए शेष बचे हैं। ऐसे में तमाम उम्मीदवार नोडियो सर्टिफिकेट पाने के लिए अलग अलग विभागों में पहुंचते नजर आ रहे हैं। उज्जैन के मैक्सी रोड स्थित बिजली विभाग में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें नोडियो सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे। उम्मीदवारों ने विभाग की जिम्मेदारी को खूब खरी खोटी सुनाई और काफी देर तक हंगामा किया। बमुश्किल उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट देना शुरू किया गया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि उनका कोई बकाया नहीं है, उसके बावजूद सर्टिफिकेट देने में लापरवाही बढ़ती जा रही है। वहीं बिजली विभाग के सहायक यंत्री प्रसाद कुमार ने बताया कि क्रिकेट लोगों के प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं, हंगामा कर रहे लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। यहाँ विद्युत वितरण कंपनी जो है ये चिंतामन जोन और उज्जैन ग्रामीण जोन में जो अधिकारी हैं, माननीय खटीक साहब यहाँ के प्रभारी हैं, और वो हम 2 बजे से खड़े हुए हैं। 2 बजे से यहाँ कुर्सी पे थे ही नहीं, 4:30 बजे आए। बस जब भी इन लोगों ने क्योंकि निर्वाचन चुनाव चल रहा है ग्राम पंचायत का,
और जिला पंचायत के सदस्य, सरपंच के उम्मीदवार, जनपद के उम्मीदवार सभी लोग आ रहे हैं, उनको नोटिस चाहिए और बिल वगैरह सब जमा करके आए हुए। कुछ लोगों के कनेक्शन है नहीं, किसी के नाम कनेक्शन नहीं है, उनको रोका जा रहा है निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने से, उम्मीदवार बनने से रोका जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? मेरे नाम से, मेरे खानदान के नाम से मध्य प्रदेश में किसी भी विद्युत के नाम से बिल बकाया नहीं है। उसके बाद मेरा भी फॉर्म में 2 बजे से जमा कर चुका हूँ, मेरा खुद का रोका हुआ है और ये अभी भी इतनी बहस के बाद उन्होंने दिया है। भाई ये कोई तरीका होता है क्या? मैं किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, भारतीय जनता। अभी जो निर्वाचन होने वाले हैं, निर्वाचन में जिला पंचायत सदस्य के रूप में और 4 नंबर वार्ड से मैंने फार्म भरा है। मेरी जमीन कृषि भूमि सोड़ंग में, मेरे नाम से कोई कनेक्शन है नहीं। उसके बाद भी नोटिस नहीं देना, इस बात का संकेत देता है कि निर्वाचन प्रक्रिया को रोकने का और सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश यहाँ के कतिपय अधिकारी रच रहे हैं। इसमें क्या है, जिन लोगों के कनेक्शन होते हैं एक्चुअली में, उन कनेक्शनों पे बकाया राशि अगर रहती है तो हम लोग उसको अपडेट करते हैं, लाइनमैन से रिपोर्ट और हमारा जो ओए ग्रेड है वो देखता है। उसके बाद जब उसकी बकाया राशि अगर नहीं है, निरंक है, तो हम तो उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। चुनाव को लेकर ज्यादा भीड़ है? नहीं, भीड़ कोई नहीं है, एक आदमी नहीं है यहाँ पे। देखिए, आप खुद देखिए, कैमरा घुमाइए जरा, सही नहीं है, एक आदमी खड़ा नहीं है जिसको सर्टिफिकेट ना मिला हो, ऐसा एक आदमी नहीं है। मैं यहाँ सबके बीच में बोल रहा हूँ, कोई भी बोल दे मेरे, आप थोड़ा। तो चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के थाना गांधी सागर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने रुपए डबल करने वाले को झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया लगातार धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ अभियान चला रहे थे, जिसके तहत पुलिस ने 10 लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। मेरे से 20,000 रुपये लेके गया, मेरी बहन से 45,000 रुपये लेके आया, और उसके बावजूद मेरी बहन से तो ये झूठ बोल करके लाया वो कि मेरी बहन के लड़के का हाथ जल गया है। उसके बावजूद बहन यहाँ आई, उसके घर मांगने भी गई, उसने पैसे नहीं दिए, झगड़ा करने दोला, घर भर के झगड़ा करते हैं। आपको कैसे पता चला कि ये पैसा एक का दो किया जा रहा है? कौन व्यक्ति आपके पास लेके आया? उसकी मम्मी आई थी मेरे पास। क्या बोला मम्मी ने? मम्मी ने बोला कि आपके पास 10-20 हज़ार भी नहीं है क्या? आप 10-20 हज़ार भी नहीं दे सकते हो क्या? वहाँ पूरे मोहल्ले की महिलाएं थी मेरे खेत पर, मेरे कुएं पर पूरे मोहल्ले की महिलाएं थी, मेरे घर की भी थी और मेरे पूरे घर की थी। एक गांव में बहुत दिनों से वो जो महीना, 2 महीना 3 महीना से वो मान लो कि 1 का 2 1 का 1.5 कैसा कर रहे थे, चल रहे थे नहीं बोलगा। अब ये चला रखे तो हमारे पास भी आए हो, अब तुम लोग कैसे बटे डीटे डाले हम लोग कई लोगों की गरीबी। पिता जो कर रहा था ये? जो राजू हीरालाल पिता, हीरालाल राजू पिता हीरालाल गोस्वामी, तो उनने बताया तुम कैसे डिल्ला डोले बैठे हो तुम, मैंने कई लोगों की गरीबी दूर कर दी हो, आप तो घर का परिवार के होते हुए आप कैसे डिल्ले बैठे, आपके पास जो भी रकम हो चाहे आप दो। तो हमने हमारे मकान के कोई चलाने के कार्य चलाने के लिए हमने गाय और भैंस कुछ बेच कर कुछ रकम हमारे पास थी, को अपने मकान काम पूरा करवाएंगे। तो ये बोला कि आज नहीं 8 दिन बाद चला लेना, 15 दिन बाद चलवा लेना काम, तो हम तो हमारा पूरा सहयोग कर देंगे इन पैसे का। ये कितना पैसा दिया था? हमने 1 लाख रुपया दिया उसको, उसके बदले आपने आपको कितना? 1 लाख रुपया दिया। उसने दो दिन चार दिन करते रहे, उसने क्यों तुम्हारे जस्ट जिस टाइम पर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए उसी टाइम पर आप मांग लेना, हमारी बैंक एक ऐसी है जो रात के 3 बजे भी खुली रहती है, तो जिस भी टाइम आपको ज़रूरत पड़ जाए उसी टाइम आप आ जाना है। तो हमने उससे मांग करी है कि हमारे 40,000 रुपये की जरूरत, तो उसने 40,000 रुपये दे दिया हमको। अब 40,000 देने के ऊपर अपने पूरा भरोसा हो गया, उसके बाद पूरा भरोसा करने में फिर वो बोला कि भाई तुम्हारे को जितनी भी जरूरत पड़े वो मैं इकट्ठा दे दूँगा, इकट्ठा आपको बढ़ा का इकट्ठा दे दूँगा, और भी आप तो पैसे की ज़रूरत वो व्यवस्था को बिठाओ। तो मैंने से कोई रिश्तेदार से उधार लाया, किसी उधार ला के उनके 1 लाख रुपये फिर दिया मैंने उन्हें। 1 लाख रुपये देने के बाद में फिर 2-4 दिन निकल गया कि भाई हमारे, मैंने उसको बोला कि मेरे यार पैसे की ज़रूरत है, 20,000 रुपये चाहिए, तो उसने मेरे को 20,000 वापस दे दिया। अब 20,000 वापस देने में हम ग्राम पंचायत नावली में टोटल 10 लोगों के साथ 9,45,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई है। ये राजू उर्फ राजेश पिता हीरालाल गोस्वामी गिर नावली का निवासी है,
इसने गांव के भोले भाले लोगों को पैसा डबल करने का सभी को आश्वासन दिया था और सभी से इसने पैसे लिए। शुरू शुरू में इसने 1000-2000 रुपये लेके वापस भी किए उनको, 3000-4000, तो लोग विश्वास में आ गए और फिर उन्होंने इसको ज़्यादा पैसे दिए। सर 10 लोगों के अलावा कई बार भी सर इस प्रकार से रॉकेट चलाए इसने, अभी हमको 10 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है, तो 10 लोगों के आवेदन के आधार पर हमने अपराध क्रमांक 42/22 धारा 420 भादुओं में कायमी की है और अन्य लोगों को भी देखा जा रहा है अगर उनके। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कुछ तस्वीरें छिंदवाड़ा के पाडोना से अंबाड़ा पंचायत में पंचपद के प्रत्याशी रोशन बैल लेकर अकेले नामांकन करने पहुंचे। आपको बता दें कि रोशन बैल लेकर इसलिए भी पहुंचे थे क्योंकि उनके गांव में सड़क भी नहीं है, जिसको लेकर अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए बखर और बैल जोड़ी के साथ गया क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ रही है इसको सोचते हुए मैंने सोचा कि कुछ बचत की जाए और कोशिश की जाए अपने राष्ट्र के लिए, तो इसी के लिए एक जुगाड़ लगाया। मैंने सोचा सारे घर का ही है, बैल है, बखर है, उसमें जो कड़ांग रहती वो और जो उनके जो कपड़े हैं बैलों के उनको सजाते हुए मैं वार्ड क्रमांक 8 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ग्राम पंचायत रायबासा का अपना। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने तहसील कार्यालय में भूस्वामी से 5000 की रिश्वत लेते आरआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीमांकन के अवंज में महाराजपुर के हल्के के पटवारी और आरआई ने 12000 की रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र कुमार जैन निवासी दादा धनीराम वार्ड महाराजपुर मंडला की महाराजपुर स्थित 2 रकबा की सीमांकन होना था, जिसके लिए आवेदन के द्वारा आवेदन किया गया था, लेकिन कृषि भूमि के सीमांकन करने के अवज में 12000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसको लेकर शिकायत आवेदन ने 1 जून को लोकायुक्त जबलपुर एजेंसी से की पुलिस शिकायत का सत्यापन किया। इसके बाद शुक्रवार को आवेदन के द्वारा 5000 रुपए की रिश्वत आरआई अतुल कसारी तहसील कार्यालय में दी गई। यहां लोकायुक्त टीम ने आरआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एक जून 2022 को भारतपुर निवासी अनिल जैन द्वारा एक शिकायत पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू लोकायुक्त दी गई कार्यालय में जाकर, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि नहीं महाराजपुर से जमीन का सीमांकन होना है। इस संबंध में इन्होंने पटवारी और जब उनसे बात किया तो इन्होंने इसकी पैसे की 12000 रुपये की मांग की। पटवारी कुंद नंदन सिंगौर और आरआई जो सर्किल के हैं अतुल कसार, इस शिकायत का सत्यापन किया गया और आज दिनांक अतुल कसार राजस्व निरीक्षक महाराजपुर मंडल तहसील मंडला को 5000 रुपये की रंगे पकड़ा गया है। आरोपी मध्य प्रदेश के कोड़ा गांव में ग्राम पंचायत सोनाबाल ने एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन दस्तावेजों का अवलोकन करने पर सामने आया कि जिन 4 लोगों की करीब 1 वर्ष पहले मौत हो चुकी है उनको भी फरवरी 2022 तक राशन जारी हुआ है। मृतक के नाम राशन जारी होने पर स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत के सरपंच को लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि दुकान संचालक मृतक व्यक्तियों को राशन कई महीनों से गबन करने को लेकर विक्रेता पर कार्यवाही की मांग की गई। मामले में ग्राम पंचायत सचिन ने बताया कि मृतक व्यक्तियों के नाम पर राशन जारी होने की जानकारी मिलने पर तत्काल सेल्समैन को मृतक के नाम काटने को कहा गया। एजेंसी है पर हम हमारे एक वार्ड पंच मेंबर्स को सेल्समैन के तरीके से वहां रखे हैं दुकान में। मृतक तो हो चुका था मैं जानती हूँ, लेकिन मैं जब भी सेल्समैन को बताती थी कि जैसे जो भी ख़त्म होता है ना तुरंत नाम को कटवाया करो, है नहीं तो वही मैं उसको सलाह देती थी, पर हाँ हाँ बोलते थे वो, पर आज तक नहीं कटा, ये मेरे को पता नहीं था, अभी पता चला तो हम लोग प्रस्ताव दे चुके हैं मेरे तक मतलब ख़त्म हो गए करके नाम कटा जाए। सेल्समैन वो करेंगे हम पंचायत बॉडी मिल के जो भी करेंगे उनके साथ ही मिल के करेंगे, क्योंकि हम सभी लोगों के थ्रू से मतलब उसको रखा गया है पंचायत बाड़ी के थ्रू से सुनी थी, तो तभी मैं भी सेल्समैन को अभी भी बताती थी कि जो भी ख़त्म होता है ना तुरंत कटाया करो,
हम लोग जैसे पंचायतवादी मिलकर मेरे को पता चला कि मृत व्यक्तियों का भी राशन दिया जा रहा है कर, तो मैं तुरंत वही सेल्समैन को बोला कि उन लोगों को 70 नाम को कटवाने को बोलो, बोलते तो बोल रहे कटवाएगा उनको, तो साल भर हो रहा है 15 महीने पूरा मिल रहा था, तो इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं। तो हम लोग प्रस्ताव दिए हैं मृत व्यक्तियों का नाम काटा जाए, खुद ही वार्ड पंचायत तो मालूम रहना चाहिए। पंचायत में तो बोले हैं उसको कि आपको माने हटा देंगे आप। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, इसी तरह के हर लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।